हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस ए साइट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आधार कार्ड के इनरोलमेंट नंबर से कैसे आधार कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे। आधार कार्ड में पिछले कुछ दिनों से लोगों को आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आधार कार्ड में कुछ चेंजेज हुए हैं। तो चलिए, मैं समय को ना गवाते हुए सीधे आपको अपने ब्राउजर पे लेके चलता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में बेल वाले बटन को भी दबा दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने ब्राउजर पे आ गया हूँ। यहाँ मैं आधार टाइप करूँगा। जैसे ही आप आधार टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, फर्स्ट ही ऑप्शन पे आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। आप ये URL बार में देख सकते हैं, UIDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें माई आधार वाले ऑप्शन पे आएंगे, चेक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये आपको एक न्यू टैब में लेके आ जाएगा। अगर आप आधार अपडेट कराए हैं उसके बाद आप इनरोलमेंट नंबर से चाहते हैं अपना स्टेटस चेक करना, तो आप यहां सीधे आधार नंबर डाल के OTP के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेश आधार है तो आप क्या कैसे चेक करेंगे, आज हम इस पे बात करेंगे। तो पहले ऑप्शन पे आप देखते हैं डाउनलोड आधार है, सेकेंड पे आर्डर आधार PVC कार्ड, सेकेंड पे चेक आधार PVC कार्ड आर्डर स्टेटस, फोर्थ ऑप्शन पे आप देख सकते हैं चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। तो आज हम इनरोलमेंट नंबर से देखेंगे, क्योंकि अगर आप अपडेट कराते हैं तो आप अपने आधार नंबर से इजीली देख लेते हैं, लेकिन अगर किसी का फ्रेश आधार है और उसका आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं चेक आधार स्टेटस पे। यहाँ कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना 14-डिजिट का इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, मैं फिल कर लेता हूँ। देन आप लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में आपको सबसे पहले ईयर डालना है। आप यहीं ईयर के जगह डेट को डाल देते हैं, जिससे आपके आधार कार्ड को डाउनलोड करने में आपको समस्या आती है। तो सबसे पहले हम अपना ईयर डालेंगे, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप मंथ को डालेंगे, मैं अभी फिल कर देता हूँ, ठीक है। डेट डाल देंगे, तो सबसे पहले आप ईयर डालेंगे, उसके बाद आप मंथ डालेंगे, फिर डेट डालेंगे। इसके बाद टाइम को एडिट रहने दें, जैसे लिखा है वैसे ही इनरोलमेंट में वैसे ही लिख दें। अब आपको जो यहाँ कैप्चा दिया गया यही कैप्चा यहाँ फिल कर लें, देन सबमिट वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करें। अब देख सकते हैं आपका आधार कार्ड जनरेट हो चुका है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में ये कंप्लीटेड दिखा रहा है। योर आधार हैज बीन जनरेटेड, आपका आधार कार्ड जनरेट हो चुका है। व्हाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार फॉर्म www.uidai.gov.in। दैट्स मीन आपका भी आधार कार्ड जब तक पोस्ट के द्वारा आपके पास आता है, तब तक अगर आप चाहें तो अपने आधार कार्ड को आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में बेल वाले घंटे को भी दबा दें, और हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।